राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी यूट्यूब चैनल्स पर जितने हमारे फॉलोवर्स हैं उन सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो हमारे ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधु हैं उनका भी वे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इलेक्ट्रोमोपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हम एक श्रृंखलाबद्ध क्रम से वेरिस डिजीज पर जो है चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए हमने साथियों जो है बुक की रचना की है, जो सभी साथियों को पसंद आई है, अच्छा फीडबैक उसका हमने बुक का मिला है। और उसमें अथक प्रयास करने के बावजूद भी हम सभी जो है डिजीज को उसमें कवर नहीं कर पाए थे। जो उसके अंदर जो हम नहीं कवर कर पाए हैं वो उसको हम जो है वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी साथियों तक जो है उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो जितने भी ये वीडियो लेक्चर हैं आप इन सब को जो है नोट कर लें अपनी डायरी में। और जो साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी जो है वो प्रेस कर दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको प्राप्त होने में कठिनाई ना हो। तो साथियों, आज हम उसी श्रृंखलाबद्ध क्रम में जो डीजे लेकर के आए हैं वो है किलोइड। साथियों, इसके जो है कई बार हमारे साथियों के जो है रिक्वेस्ट आई है और कई बार जो है वो पोस्ट भी डालते हैं, इमेज भी भेजते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट करें। और कईयों ने जो रिक्वेस्ट भी की है कि इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। तो आज हम उन्हीं सभी साथियों की रिक्वेस्ट का सम्मान करते हुए आज हम केलोइड पर चर्चा करेंगे, केलोइड डिजीज पर। केलोइड क्या है साथियों? केलोइड एक प्रकार का निशान त्वचा के ऊपर जो है वो मिलता है, जो कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जो है त्वचा संबंधी जो समस्याएं हैं उनके कारण वो डेवलप हो जाता है। केलोइड जो है बड़े निशान होते हैं त्वचा पर, जो रेशेदार ऊतक या जिसको हम फाइबर टिश्यू बोलते हैं उसके कारण ये बनते हैं। केलोइड जहाँ पर होता है वो हिस्सा जो हमारी त्वचा है उस त्वचा से उभरा हुआ उठा हुआ जो है मिलता है वहाँ पर। ये गोल राउंड शेप में और जो है ये लंबे टाइप में भी जो है मिलते हैं, दोनों प्रकार के जो है केलोइड उसमें मिलते हैं। साथियों, ये क्रिएट कैसे होता है, डेवलप कैसे होता है? जब त्वचा पर किसी प्रकार से त्वचा कट जाए, छिल जाए या जख्म बन जाए और वो जो है काफ़ी समय के बाद जो है वो ठीक हो जाते हैं, घाव ठीक भर जाता है उसको, मतलब काफ़ी समय लग जाता है उसको भरने में, डीप इंजरी जो होती है ठीक होने के बाद में साथियों वहाँ पर जो है एक सख्त टाइप की थोड़ा सा जो है त्वचा से जो है हमारी त्वचा है उससे अलग टाइप में जो है कठोर थोड़ा उससे जो है हार्ड के रूप में जो है वो वहाँ पर डेवलप होने लगते हैं और धीरे धीरे जो है वो आकार में बड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी साथियों जो बिना इलाज करे ठीक नहीं हो सकती। वैसे तो इसका कोई ज़्यादा ये जो है जानलेवा या कोई ज़्यादा सीवियर डिजीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी
जो है त्वचा पर ऐसे निशान जो हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा सा अपने आप को अपने अंदर जो है हीन भावना जो है वो फील करने लगता है। तो इसका अगर इलाज हम सही तरीके से करें तो ये ठीक हो जाते हैं। तो इसके कारणों पर हम बात करें तो साथियों, कारण तो यही है कि ये रोग जो है त्वचा के जल जाने पर या कट जाने पर या किसी प्रकार का जो है कीट पतंगा द्वारा, कीट द्वारा जो है काट लिया जाए, या एक्सीडेंटल है, या किसी प्रकार का भी जो है त्वचा में घाव हो जाना, डीप घाव हो जाना, या मतलब जो है मुआसे वगैरह हो जाए, जो है बड़ा मुआसा हो जाए, या कोई जैसे बुआइल है, बहुत बड़ा बुआइल हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, या फिर जो वैक्सीनेशन होते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, वैक्सीनेशन साइट पर भी जो है ये डेवलप हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है जो चिकन क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल पॉक्स के बाद में जो ठीक होने के बाद में जो निशान रह जाते हैं उसके अंदर भी ये क्रिएट हो जाते हैं। जो महिलाएं या पुरुष जो है अपना कर्ण छेदन करवाते हैं, कान को छेदन करवाते हैं, तो उस जगह भी हमने कई रोगियों में से देखा कि वहाँ पर जो है गांठ उनकी बन जाती है। जो टेटू खुदवाते हैं उसमें भी जो है ये रोग डेवलप होते देखा गया है, उसके कारण भी ये जो है रोग हो जाता है। तो ये जो है कारण है, इन कारणों से जो है ये रोग हो जाता है। सिम्टम्स में अगर हम इसकी बात करेंगे तो सिम्टम्स में क्या है कि साथियों, चोट के स्थान पर जो है जहाँ चोट लगी है वहाँ पर ठीक होने के बाद में जो है वो गहरे रंग के भी हो सकते हैं, या फिर रेड या पिंक टाइप के जो है कलर के जो है वो निशान उसमें त्वचा पर दिखाई देते हैं। इसके निशान जो है आम तौर पर जो है छाती या ब्रेस्ट बोन या कंधे हैं जैसे, या ईयर लोब है, कान के पास में जो है गाल हैं, चेहरे पर भी हो सकता है, यानी कि बॉडी में कहीं भी जो है ये डेवलप हो सकते हैं जहाँ पर भी चोट लग जाए। तो जहाँ पर भी चोट, डीप चोट इंजरी होगी वहाँ पर ये केलोइड जो है बनने लगते हैं। कुछ केलोइड में क्या है कि उसके अंदर जो है इचिंग भी होती है, और कुछ में जो है केलोइड्स में पेन भी होता है, वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि अगर उनको आप हाथ से ऐसे दबा करके देखोगे तो उसमें पेन होता है, क्योंकि बहुत मोटी खाल जो है वहाँ पर जो है टिश्यूज वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण वो हैं जो है वहाँ की त्वचा जो है ज़्यादा जो है थिक हो जाती है। और जहाँ पर ये केलोइड होते हैं वो स्थान उभरा हुआ तो होता है और वो चमकदार भी होता है, जो हमारी त्वचा है उस त्वचा से भिन्न जो है वो चमकदार होता है, और वहाँ पर बाल नहीं उगते हैं क्योंकि वहाँ की स्किन जो है वो डीप डैमेज हुई होती है, तो वहाँ पर जो है बाल भी नहीं होते हैं। तो कुछ केलोइड ऐसे हैं कि कुछ नरम भी हो जाते हैं, कुछ जैसे हार्ड भी हो जाते हैं, दोनों टाइप के केलोइड हैं। तो साथियों, इस प्रकार के जो है लक्षण इस केलोइड के जो उस रोगी में हम आसानी से उसको पहचानना बड़ा इजीली है, उसको कहीं भी चोट लग रही है वहाँ पर उभार है तो समझ लो केलोइड ही है। और कुछ जो है साथियों ये प्रॉब्लम हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी हो जाती है, जैसे उनके बच्चे के वंशजों में है तो आगे जा करके ये प्रॉब्लम जो है उसमें भी हो सकती है। कई लोगों के देखा कि हमने चेस्ट के बीचों बीच यहाँ पर जो है वो ऐसी खाल जो है खिंच सी जाती है और वो बहुत मोटी खाल वहाँ पर हो जाती है, जबकि वहाँ पर कोई चोट या किसी प्रकार का कोई जख्म वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो केवल टिश्यू फाइबर के कारण ही जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ पर हो जाती है। तो साथियों, इस प्रकार के जो निशान दिखते हैं ऐसे तो वो समझोगे केलोइड के ही जो है केलोइड रोग ही है वो।
तो इलेक्ट्रोमोपैथी में हम क्या कर सकते हैं साथियों, इलेक्ट्रोमोपैथी में मैं आपको जो है आज दो मेडिसिन इसके बारे में बता रहा हूँ और एक अप्लाई करने के लिए भी आपको इसके अंदर बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे जो पॉपुलर फार्मूले हैं, क्योंकि ये तो हमारी एक एंटीबायोटिक है, इसके बगैर तो हम कुछ काम करते ही नहीं हैं, कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके बिना तो हम कल्पना जो है किसी भी रोग की हम कर ही नहीं सकते हैं 90%। तो बीपी है 20 ड्रॉप, बीसी 10 ड्रॉप, H2 है 20 ड्रॉप, और जो है बीई वो भी 20 ड्रॉप जो है 30 ml में लेना है। तो साथियों ये जो हमने कंपोजिशन लिया है, इस कंपोजिशन का काम क्या है कि डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रोंग बनाना, नर्वस सिस्टम को भी जो है स्ट्रोंग बनाना, और बॉडी में जो माइक्रो वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो सेल के बीच में है जैसे यूरिया वगैरह है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, या कार्बन वगैरह जो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी है, जो भी जो है वेस्ट मटेरियल है, उसको वहाँ से जो है ये छान करके साफ करके जो है ब्लड में पहुँचाता है, और ब्लड से जो है ये किडनी में जाता है, और किडनी जो है उस ब्लड को साफ कर देती है, और जो उसके अंदर वो माइक्रो वेस्ट मटेरियल है उसको थ्रो यूरिन या थ्रो जो है स्टूल के द्वारा या स्किन स्वीट के द्वारा उसको बाहर निकाल देती है। और साथियों जब तक बॉडी के अंदर हम ये कंपोजिशन नहीं देंगे तो जो बॉडी वो डिटॉक्सिफाइड नहीं होगी, और जो है रोग ठीक होने में बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है समय लग जाएगा। तो ये हमने जो है यहाँ पर बीपी, बीसी, H2 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर हमने इसको देना है। दूसरा कंपोजिशन हमारा है साथियों, यहाँ पर हमने C3 विनीरियोवन वर्मीफुगो और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को लिया है, और इसकी जो है 5-5 बूंदें D4 से 30 ml में स्टोर कर लेनी है, और बाकी का डिस्टिल वाटर उसके अंदर डाल करके जो है पेशेंट को 10-10 बूंद 4 बार दिन में दे। देखिए साथियों ये बीमारी जो है ना तो एकदम से उत्पन्न होती है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है, जख्म के अंदर जो घाव ठीक हो चुके होते हैं उन घाव में ही ये बीमारी जो है धीरे धीरे डेवलप होती है, और ऐसे ही धीरे धीरे ही जो है ये बीमारी ठीक होगी। आप इसमें ये कतई भी अंदाजा ना लगाए कि 1-2 महीना खाने से ये बीमारी ठीक हो जाती है, इसमें भी समझ लो बहुत समय लग जाता है, लेकिन ये 100% ठीक हो जाती है। बाकी हम जो है टाइम ड्यूरेशन में जो है उसमें नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी होगी उतना ही उसको ठीक होने में समय भी लगेगा। तो इसकी भी हमने 5-5 बूंद लेकर के दूसरे कंपोजिशन की 30 ml में मिलाना है, और इसकी भी 10-10 बूंदें दिन में 4 बार देना है। साथियों हमारा जो पहला कंपोजिशन होता है उसको हम खाने से पहले देते हैं, और दूसरा जो कंपोजिशन है उसको खाने के 1/2 घंटे बाद देते हैं। चाहे किसी प्रकार का भी हो, हम सबका जो है हमारा मेथड प्रिंसिपल यही है, तो इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि जो है बीपी हम कैसे जो है पहला कंपोजिशन हम कैसे दें और दूसरा कैसे दें। और साथियों लोकल अप्लाई के लिए यहाँ पर जो है हम A2, C5, L1, APP और GE का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो साथियों इसकी क्या है, D3 से डायरेक्ट ले लेना है 12-12 ड्रॉप, ये 5 मेडिसिन है, 12-12 ड्रॉप लेना है, ये 1:9 का यहाँ पर रेशियो बन जाता है। और इसको साथियों 27 ml या तो एलोवेरा जेल ले सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है तो उसके अंदर जो इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए, या फिर जो है 27 ml आप एप्पल विनेगर ले सकते हैं, एप्पल विनेगर ले करके उसके अंदर जो है ये अपना कंपोजिशन मिला दीजिए, और कॉटन के स्वैब से जो है उसको उसमें सैचुरेट करके इफेक्टेड एरिया पर उसको सुबह शाम उसको डेली लगाएं। ऐसे करने से धीरे धीरे जो है वो निशान वहाँ से जो है ख़त्म होने लगते हैं, और पूरा इलाज करने पर जड़ से ही वो ख़त्म हो जाते हैं। तो साथियों
आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके बारे में जो है अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स ज़रूर आप बताएं, और जो है अपने और आगे हम किस रोग पर आप चर्चा करवाना चाहते हैं वो भी ज़रूर जो है मेंटेन करें। क्योंकि साथियों देखिए, अब हम लगभग जो है सभी रोगों पर चर्चा कर चुके हैं, बाकी देखिए रोग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमने मेनली जो डिजीज थी उस पर हम चर्चा लगभग कर चुके हैं। फिर भी कोई हो सकता है हमसे छूट गई हो तो आप हमें जो है वो याद दिला सकते हैं, क्योंकि जैसे अब ये केलोइड का आपने ही याद दिलाया है, तो इस पर आज हमने चर्चा कर ली वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो इसी प्रकार और भी कोई अगर जो हम जिस पर वीडियो लेक्चर नहीं हुआ है, केवल वही आप उसी के बारे में जो हमें सलाह दें, बाकी जिस पर चर्चा हो चुकी है उसके चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो आपके पास में है ही। तो साथियों, और एक हमने कमेंट्स में, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है साथियों, पिछले मेडिसिन में हमने जो है पेटेंट के बारे में जानकारी दी थी, जो 5 हमारे प्रोडक्ट हमने जो है लॉन्च किए थे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमारा जो है ये बिजनेस करने का ध्येय नहीं है, केवल हम उन नए जो चिकित्सक साथी हैं और जो अभी अभी जो है शुरुआत जो कर रहे हैं, हम केवल उनकी सहायता, हमारा जो उद्देश्य है केवल उनकी हेल्प करना मात्र है, ना कि कोई उससे पैसा कमाना। अब ये तो आप सब जानते हैं कि इसके अंदर जो है खर्चा होता हो तो देना ही होता है, उसके बगैर तो कोई कैसे काम चलेगा। यहाँ लेबर का खर्चा भी होता है, सब कुछ मटेरियल का भी खर्चा होता है, तो फ्री में तो नहीं दिया जा सकता। लेकिन हमारा जो है इसके पीछे जो है धन कमाने का मकसद नहीं है, केवल जो है आप लोगों की सहायता करना है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति आप में जो है वो कॉन्फिडेंस जगाना है, तो जिसे आपको भी उसमें मदद मिलती है और जो है रोगियों का भी आप पर जो है विश्वास जो है जमने लगता है। तो साथियों, हम तो आपका फायदा मान करके इसमें जो है आपका लाभ मान करके इसमें चलते हैं। तो किसी किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रोमोपैथी की पहचान इस हमारे देश में लोगों को हो जाए, और जो है हमारे सभी साथियों का भी इससे भला होगा, और एक पहचान भी जो हमें इलेक्ट्रोपैथी की जो है हमें मिलेगी। देखिए साथियों, कोई भी पहचान है ना, तो हमारे देश की जनता ही उसकी पहचान करवाती है, ना कोई कानून। कानून तो बाद में बनते हैं, पहले मान्यता तो जो है जनता देती है, और जनता जिस चीज़ को मान्यता देती है सरकार को वो चीज़ें माननी पड़ती हैं। तो इसलिए हमारा जो उद्देश्य है वो केवल यही है कि जनता में ये लोकप्रिय हो जाए और जन जन की जो है जबान पर इस पैथी का नाम हो, केवल इतना ही मकसद है। तो एक साथी ने जो है हमने प्रोडक्ट की जानकारी दी, तो उसने लिखा है कि ये फ्रॉड है सब। उसने पता नहीं कितने उसके अंदर जो है कमेंट डाले हैं उसके अंदर। मैं उसकी जो है उसकी दिमाग की उसकी सोच की दाद देता हूँ उसको भी, परमात्मा उसका भी भला करे। तो ऐसे लोगों को पता नहीं क्या मिलता है उसके अंदर, वो हमारी सोच से बिल्कुल बाहर है, परे है। क्या वो उसके दिमाग में किस प्रकार की जो है खुरापात आती है, वो ऐसे क्यों बोल देते हैं, ये समझ में आने की वो नहीं है। कभी हमारा उनसे वास्ता नहीं पड़ा है, कभी मतलब हमारे से उन्होंने मेडिसिन नहीं ली है, तो ऐसे बिना सोचे विचारे ही ये फ्रॉड है। तो कुछ लोग भी हैं, देखिए अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। कोई आप अच्छा काम करते हैं तो कोई पांव खींचने वाला भी आपका हो जाता है, आपको डिमोरलाइज करने वाला भी होता है। तो साथियों, हमने इन बातों की ओर ध्यान नहीं देना है, ये हमारे लिए कुछ नहीं है। हमने तो केवल अपने लक्ष्य को जो है अपने टारगेट पर जो ध्यान देना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी जो है अपने ही टारगेट पर ध्यान दें और इधर उधर की जो है बातों पर ध्यान ज़्यादा ना दें, क्योंकि सभी तरह के लोग होते हैं इस संसार में, तो सबसे हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, और हम तो ये कहते हैं परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।